नमस्कार, चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ क्वेश्चन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए अनुलोम और विलोम समानुपात के कुछ प्रश्नों को लेकर आया हूं। पिछले दो वीडियो में मैंने अनुलोम और विलोम समानुपात आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया था, आप लोग उसको अच्छे से ध्यान से सीखे होंगे। तो आइए आज हम दो तीन प्रश्नों को लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो अनुलोम और प्रतिलोम समानुपात है, इससे संबंधित जो प्रश्न है वह टेट के एग्जाम्स और साथ ही साथ बीटीसी के सिलेबस में भी है, वहां पर ये पूछे जाते हैं। तो बीटीसी और सीटेट की परीक्षा, टेट की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी इस वीडियो को ध्यान से देखें। देखिए पहला प्रश्न है हमारा, किसी फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में बनाती है, वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें बनाएंगे। अब इस पर अनुलोम और प्रतिलोम समानुपात पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उसमें सबसे पहले आपको यह पहचानना है कि इस प्रश्न में जो संबंध है वह संबंध क्या अनुलोम है या प्रतिलोम या विलोम का है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसे आपको पहचानना होगा। तो दोनों की जो संबंध है, जो उसकी विशेषता है, उसे आपको ध्यान में रखना होगा। यदि किसी एक राशि के मान में वृद्धि होने पर दूसरी राशि के मान में भी अगर वृद्धि होती है, या किसी एक राशि के मान में कमी आने पर दूसरी राशि के मान में भी कमी आती है, तो वहां पर अनुलोम समानुपात लगता है। तो हमें यही पहचानना है। और दूसरा प्रतिलोम है, प्रतिलोम में क्या संबंध लागू होता है। प्रतिलोम समानुपात में आप देखेंगे कि एक राशि के मान में यदि हम वृद्धि करें तो दूसरे के मान में कमी आती है, और जस्ट इसका उल्टा, अगर किसी एक राशि के मान में कमी होगी तो दूसरे राशि के मान में वृद्धि होगी। तो इन्हीं दोनों को हमें ध्यान में रखना है। तो देखिए यह जो पहला प्रश्न है, इसमें कहा जा रहा है कि एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में बनाती है, तो वही मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें बनाएंगे। तो सीधा सा है, यहां कौन सा संबंध लग रहा है, अनुलोम समानुपात है, अनुलोम सीधा समानुपात है, यहां पर सीधा संबंध है। 6 घंटे में 840 बोतल बनता है, तो जहां हम समय को कम कर देंगे तो बोतलें कितनी बनेंगी, 840 से अधिक या कम, समय कम हो जाएगा तो बोतलों की संख्या भी घट जाएगी। ठीक है, समय के घटते ही बोतलों की संख्या भी घट जाएगी, इसका मतलब यहां पर सीधा समानुपात है। हम प्रश्न कैसे लगाएंगे, हम लिखते हैं यहां पर सबसे पहले एक तरफ लिखेंगे बोतल, ठीक है, उनकी संख्या, फिर दूसरी तरफ समय घंटे में, ये हो जाएगा हमारा घंटे में। बोतलों की संख्या कितनी है भाई, 840, 840 कितने देर में बन रहा है, 6 घंटे में बन रहा है। आपसे पूछा जा रहा है 5 घंटे में कितनी बोतलें बनेंगी, तो आप यहाँ 5 लिख देंगे। तो अब कितनी बन रही है, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि वह जो मशीन है जो 6 घंटे में 840 बोतल बनाती है, वह 5 घंटे में x बोतल बनाएगी। हम x मान लेते हैं, हम यह मान लेते हैं कि 5 घंटे में x बोतलें बनाएंगी। तो अब हम क्या करते हैं, यहां चिन्ह लगाएंगे, सीधा समानुपात है तो तीर एक जैसा लगेगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप देखें ये हो जाएगा हमारा 6/5 बराबर ये हो जाएगा 840/x, इस प्रकार से। ठीक है, दोनों सीधा समानुपात है, 6/5 बराबर 840/x। अब यहां पर ये तीर का गुणा हो जाएगा, x का गुणा यहां पर और 5 का गुणा यहां पर, तो ये हो जाएगा 6x बराबर 840/5। x का मान हम यहां से निकालेंगे, x बराबर 840/5/6 काट दीजिए, 6 से यहां पर 6 कम 6, 6 चौक 24 और ये 0, और बराबर आपका ये x बराबर हो जाएगा 140/5 बराबर 700 बोतलें। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप पहले प्रश्न का ये इस प्रकार से हम हल निकालेंगे, समाधान करेंगे। ठीक है, देखिए सीधा सा है, 6 घंटे में 840 बन रहा है, समय को कम कर दिया तो बोतलों के बनाने की संख्या भी कम हो जाएगी, यानी सीधा अनुपात है। ये हमारा हो गया 6/5 बराबर 840/x। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 700। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या है,
एक छात्रावास में 100 विद्यार्थी हैं, 100 विद्यार्थियों के एक छात्रावास है। कह रहा है कि उनके भोजन की सामग्री 20 दिनों की है, जो छात्रावास है जहां पर 100 विद्यार्थी रहते हैं, अभी 20 दिन के लिए भोजन पर्याप्त है। अब कह रहा है आगे कि यदि 25 विद्यार्थी और आ जाए, 100 है और 25 की संख्या और बढ़ जाए, तो वह जो भोजन सामग्री है वह कितने दिन चलेगी, यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो आप देखें अब यहाँ पर क्या है, 100 विद्यार्थियों के लिए जो भोजन है, क्या वह 125 विद्यार्थियों के लिए भी उतने ही दिन रहेगा, या अधिक दिन चलेगा, या कम दिन चलेगा। तो आप देखेंगे जब भोजन करने वालों की संख्या बढ़ जाएगी तो सीमित भोजन कम दिन चलेगा, यानी कि यहाँ पर जो हमारा समानुपात है वह कौन सा समानुपात है, प्रतिलोम समानुपात है। देखिए छात्रों के बढ़ जाने से भोजन सामग्री के खर्चे का जो दिन है वह कम हो जाएगा। ठीक है, आइए अब इसको हम लगाते हैं। इस प्रश्न को लगाने के लिए हम एक तरफ लिख लेते हैं विद्यार्थियों की संख्या, ये हो जाएगा विद्यार्थी, और दूसरी तरफ कितने दिन वह भोजन सामग्री चल रही है, भोजन सामग्री दिनों में। तो आप देखेंगे 100 विद्यार्थियों के लिए 20 दिन की भोजन सामग्री है। अब कितने बढ़ गए, 25, पहले से 100 थे 25 बढ़ गए, यानी कि अब कितने हो गए टोटल 125। ठीक है, यदि 25 विद्यार्थी और आ जाए तो वह भोजन सामग्री कितने दिन चलेगा। तो देखिए 100 विद्यार्थियों के लिए जो भोजन 20 दिन का है वही भोजन 125 लोगों के लिए मान लेते हैं x दिन, हम सबसे पहले मान लेते हैं x दिन चलेगा। अब हमको संबंध देखना है, देखिए 100 विद्यार्थियों के लिए 20 दिन चल रहा है, विद्यार्थियों की संख्या जैसे ही बढ़ाएंगे वह भोजन कम दिन चलेगा। ठीक है, तो इसके बढ़ने पर इसका मान घट जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा संबंध रहेगा, प्रतिलोम समानुपात का संबंध है। तीर कैसे लगाएंगे, एक इधर का और एक यहाँ पर ऊपर की तरफ, प्रतिलोम समानुपात है, तीर हम दोनों का विपरीत दिशा में लगा देंगे। अब देखें ये हम इस हमारा हो जाएगा, ये जो तीर वाला हिस्सा है वो हमारा हर में रहेगा, तो यहाँ पर भी तीर वाला हर में रहेगा, तो ये हो जाएगा 20 बटे एक्स बराबर 125 बटे 100। ठीक है, तीर वाला हिस्सा हमारा हर जगह हर में है। ठीक, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तीरे गुणा करके देखिए ये हो जाएगा हमारा इसमें 20 गुणे 100, देखिए 100 का गुणा यहाँ पर हो जाएगा, फिर x का गुणा यहाँ पर होगा, तो 125 गुणे x। अब हम यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, देखिए 125 से गुणा करेगा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 20 गुणे 100 बटे 125। अब इसको हम सरल कर देते हैं, देखिए 25 125 और 25 को 100 हो गया, 5 से इसको काट देंगे, 5 20 बराबर 4 × 4 बराबर 16। तो यह जो भोजन है जो 100 विद्यार्थियों के लिए 20 दिन का था वही भोजन 125 विद्यार्थियों के लिए कितने दिन चलेगा, 16 दिन चलेगा 16 डेज के लिए है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को लगाएंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण है हमें यहाँ पर यह पहचानना के कौन सा समानुपात है, उनके बीच जो संबंध है सीधा संबंध है या विपरीत का। आइए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में बना सकते हैं, तो उसी कार्य को करने के लिए 30 घंटे में कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। अब देखें यहां कहा जा रहा है कि 15 मजदूर मिलकर के किसी दीवार को 48 दिन में बना लेते हैं, 48 घंटे में बना लेते हैं। अब उसी दीवार को अगर 30 घंटे में बनाना होगा तो कितने श्रमिक लगेंगे, तो देखें 48 घंटे में 15 मजदूर लग रहे हैं, जब समय कम होगा तो क्या मजदूर भी कम होंगे, मजदूर कम होंगे तो फिर और ज्यादा समय लगेगा, इसका मतलब क्या है, इस समय कम हो रहा है तो मजदूरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, है ना। तो
यहाँ पर प्रतिलोम समानुपात लग रहा है। तो दूसरे प्रश्न की तरह तीसरा प्रश्न भी हम करेंगे, आइए इसको लगा करके देख लेते हैं। देखें, एक तरफ हम लिखेंगे श्रमिकों की संख्या और दूसरी तरफ लिखेंगे समय घंटे में। तो देखें, जब श्रमिक हमारे 15 हैं तो समय कितना लग रहा है 48, और जब 30 घंटे में ही उस दीवार को बनाना होगा तो श्रमिकों की संख्या क्या होगी, समय घट गया तो मजदूरों की संख्या बढ़नी पड़ेगी। तो मान लेते हैं मजदूर एक्स, विपरीत का संबंध है, प्रतिलोम संबंध है, तो यहां जो हम तीर लगाएंगे वह इस प्रकार से लगाएंगे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, आप देखेंगे ये 48/13, ठीक है, जो तीर वाला है वह हर में है तो यहां भी तीर वाला हर में रहेगा, बराबर x/15, ठीक है। यही आपको ध्यान में रखना है, यहां पर जो हम तीर लगाते हैं, अगर तीर वाले को हम हर में रख रहे हैं तो यहां के तीर वाले को भी हर में रखेंगे, अगर यह अंश में तो यह अंश में, ठीक है। यहां पर हम क्या कर देंगे, अब तीर गुणा करेंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 30 का गुणा x में, 15 का गुणा 48 में, ये हो जाएगा हमारा 48/15, 48/15 बराबर एक्स में 30। अब देखें, हमें x का मान निकालना है तो x को अकेला छोड़ना होगा, यहाँ 30 का गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो भाग दे देगा, तो x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर 48/15/30। देखिए 15 × 15 = 30, 2 से इसको काट देंगे, 2 × 4 2 × 4 बराबर 24 मजदूर। देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई, 24, यानी कि जो काम 15 श्रमिक 48 घंटे में कर सकते थे उसी काम को 24 मजदूर 30 घंटे में कर देंगे। तो इस प्रकार से आप अनुलोम और प्रतिलोम समानुपात के प्रश्नों को लगाएंगे। महत्वपूर्ण है सबसे पहले यह पहचान करना कि यहाँ पर जो दो राशियां हैं उनके बीच का संबंध सीधा है या प्रतिलोम है, ठीक है। यदि इसको आप पहचान लिए, तीर सही सही लगाना है, और तीर लगाने के बाद हमें यह देखना है, यदि तीर वाले हिस्से को हम अंश में रख रहे हैं तो इधर के भी तीर वाले हिस्से को अंश में, अगर इधर के तीर वाले हिस्से को हम हर में रख रहे हैं तो इधर वाले तीर के हिस्से को भी हम हर में रखेंगे, तभी यह सही सही हम लगा पाएंगे और सही उत्तर तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल किया जाता है, इसे ध्यान से देखें और सीखें, ठीक है। अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए घातांक लेकर के आ रहा हूँ, घातांक के बारे में मैं सिखाऊंगा, तो हमारे साथ बने रहिए, अगली वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।